शहर में हुई लगातार बारिश से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की जीवनदायिनी बेतवा नदी पर बने बर्री घाट और गंज पुल का पानी पुल से ऊपर बह रहा है। वहीं उदयपुर की क्योटन नदी भी उफान पर है। शहर के बीचों बीच बहने वाली पाराशरी नदी का जल स्तर बढ़ने से वह भी उफान पर आ गई है, जिससे वार्ड क्रमांक 1, 8, 9, 23 की निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सिरोंज चौराहा और इर्दगाह रोड में भी यह हालत बने हुए हैं। बारिश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा निचली बस्तियों के रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए अनाउंस कराया जा रहा है। वहीं बेतवा नदी ऊपरी इलाकों और बांध के गेट खुलने से उफान पर बह रही है, जिसे देखने भारी भीड़ पुल के पास एकत्रित हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था की कमी के चलते लोग चली नदी को पार करने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पुलों के पास बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन पुलिस के जवान मौजूद न होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर बहती नदी के पास पहुंच रहे हैं। तलघरों में बने गोदामों में पानी भरने से कई व्यापारियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बीती रात 10 बजे से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान गंज बसोदा तहसील में 84.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रात भर हुई झमाझम बारिश के कारण शहर के आसपास के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस वजह से गंज बसोदा का सड़क संपर्क सिरोंज उदयपुर से टूट गया है। शहर के कई वार्डों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। घरों में पानी भरने से गृहस्थी का सामान अनाज पानी बह गया है, जिसके चलते अब लोग प्रशासन की मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा दृष्टि से नदियों के रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर आम जन का रास्ता बंद कर दिया है और लोगों से नदी के पास नहीं जाने की लगातार अपील की जा रही है। बस्ती है तो मैंने बताया था हम लोगों ने कि 9 नंबर वार्ड में कम से कम 16 ऐसे घर है, 15-16, 1500 घर है जो घरों में पानी भर जाता है, जिसमें प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। और आज भी जो स्थिति है आपके सामने के पूरे घरों के आसपास पाराशरी नदी का इतना मतलब जल भर चुका है कि घरों के अंदर भर चुका है, मकानों के आसपास पानी है। अभी भी कोई प्रशासन वगैरह कोई गली में नहीं दिख रहा है, सिर्फ आप ही लोग आए हो। और आज सुबह से हम लोग घूम रहे हैं हमारी टीम कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। ऐसी स्थिति में हमने सारी व्यवस्थाएं चिन्हित की हैं कि अगर पानी ज़्यादा गिरता है, चूँकि सुबह से पानी अब रुका हुआ है, पानी अगर गिरता है और जल भराव की स्थिति होती है तो हम लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसके लिए हमने नगर पालिका की टीम को लगा रखा है और हम सुबह भी प्रयास किया था कुछ लोगों को निकालने का, लेकिन वो लोग निकले नहीं। चूँकि अब चूँकि बारिश रुकी हुई है, अगर 1-2 घंटे में बारिश फिर होगी तो हम लोगों को हमको निकालना पड़ेगा। घर मकान के आगे पीछे चारों तरफ पानी है, बच्चा मासूम है, गिरने का डर है, जान का खतरा है, और ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है जिससे हमें ज्यादा जान का खतरा है, करंट भी आ सकता, फैल सकता है, किसी प्रकार की भी दुर्घटना हो सकती है। मौके पर प्रशासन आया था? नहीं, कोई नहीं आया। आप ही आए हो पहली बार? अभी कोई नहीं आया। नहीं, अभी कोई नहीं आया। पानी घरों में भरा गया तो इससे नुकसान भी हुआ होगा घर के? अरे हर प्रकार का नुकसान है भैया, अनाज भी परेशान है, कपड़ों से परेशान, खाना से परेशान, क्या क्या परेशानी आपको बताएं। पानी भरने के बाद क्या समस्या हो रही देखो आप। अल्लाह अम्मा, ए खड़ी हो जा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गंज बसोदा से दीपेश जैन की रिपोर्ट।